पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपकी तरफ से यू नो दिवाली की विशेष चाहेंगे और किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करो इस बार। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पेंडेमिक के बाद में पहली बार 2021 में दिवाली जैसा महसूस हो रहा है। हर जगह पर लाइट्स लगे हुए हैं, पटाखे फूट रहे हैं, एवरीबडी इज हैप्पी, सेलिब्रेशन इज हैपनिंग। सो आई विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अस, ऑल ऑफ अस, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन इज डन इन इंडिया। सो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम कहीं भी उड़ सकते हैं और हम फ्री हो सकते हैं, फ्री हो गए। रॉनी रॉड्रिग्स जी हैव डन अमेजिंग डन रॉनी जी हैज डन फैंटास्टिक वर्क। He is very kind and very sweet human being. We all artists had come over here and he first gave all the Diwali gifts to his staff, his people and everybody, apni family, and then he welcomed the actors. I really respect that thought and attitude. I wish Cinebuster magazine happy Diwali and I wish you all press people happy Diwali, lots of love. अगर हम आप बात करें आज आप Cinebuster के दफ्तर में ऐसे कौन से आर्टिकल आपको जो ज्यादा पसंद आया? अरे दफ्तर में आया आपका स्वागत किया दिवाली के लिए क्या कहना चाहिए? Cinebuster magazine में सबसे प्यारी क्यूट सी चीज है ये मेरा बच्चा। She is being taking care of everybody. अंदर डैडी सबको गिफ्ट दे रहे हैं और यहाँ पर छोटी सी क्यूट सी बेबी, she is wishing everybody happy Diwali, happy Diwali. So I just love this family atmosphere and this warmth of the magazine people and Rodrigues ji. It's fantastic. मैंने उनकी एनिवर्सरी भी 25th एनिवर्सरी पार्टी भी अटेंड की थी और मुझे बहुत मजा आया था। आई लव द फील एंड वॉर्म्थ ही प्रोवाइड्स टू एवरीवन। आई विश दिवाली अगेन। ऐसा कोई आर्टिकल जो आपको Cinebuster में ज्यादा आपको ज्यादा पसंद आया हो जो उन्होंने इनके मैगजीन में छपा हो? आई थिंक सो जब ये Cinebuster मैगजीन लॉन्च हुई थी that time I had gone, Salman was there on the cover and the story was very good. Cinebuster always covers genuine stories and good stories, authentic stories, and that's the best part about it. Okay, कल शाहरुख सर का बर्थडे है, मैं शाहरुख सर के लिए दे दीजिए, उनकी दिवाली बहुत अच्छी ही जानी चाहिए। एक शुभकामनाएं आपकी तरफ से शाहरुख सर के लिए। I wish SRK, I love you. I'm your first heroine. We work together in good too and I love you so much. I wish you lots and lots of love and happiness and happy birthday. I respect your dignity. Dilson. इस पावन पर्व पर मेरी ओर से सभी दर्शकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। रॉनी जी के ऑफिस में आज आए हैं, Cinebuster के ऑफिस में, रॉनी जी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसे इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को दिवाली मिलन का नाम दिया गया जिसे हमारे प्रिय मुंडे साहब ने ऑर्गेनाइज किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। शुभकामनाएं दे रहा हूँ, शुभकामनाएं ले रहा हूँ और बहुत तृप्त महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, थिएटर फिर से खुल रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि सावधानी बरत के जाएं और बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा को एंजॉय करें। मेरी भी दो फिल्में दिसंबर में आ रही हैं। थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। Cinebuster की मैगजीन में आए, रॉनी जी से आप मिले, ईद में आ रहे हैं, दिवाली मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और समारोह को नाम दिया था दीप जलाने का और हमारी दिवाली भी आ रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली मुझे ये जो बच्चे चार हैं इनका ये जो माहौल है, यू नो लाइक मेरे पास आके नहीं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो आई एम रियली हैप्पी कि बहुत टाइम के बाद मतलब इतने सारे बच्चे मेरे पास आकर यू नो दे विश मी, मैं इनको बातें करी बाय फर्स्ट दे विश मी, आई लाइक दैट। और रॉनी जी का बहुत मुझे अच्छा लगा, इनका वो रसाया शोरूम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं वहाँ भी आई थी। और आप सब लोगों को, मीडिया को, रसाया को, ये मैगजीन को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग
लोग बहुत अच्छे से दिवाली बनाए, पटाखे ना जलाए, बी सेफ, और कोरोना से अभी भी कोरोना पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बी सेफ। अरुण बख्शी जी थे, पंकज जी थे, आरती जी थे, ऑल द देयर, डेफिनेटली इट वाज अ मिलन भी था बहुत टाइम के बाद। इनके साथ तो मैंने काम भी किया हुआ है अरुण जी के साथ, इज रियली नाइस एक्टर, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ। एक होता ना एक्टर की लाइफ ऐसी होती है कि आज हम यहाँ कल हम कहाँ, सो आई थिंक 4 इयर्स के बाद हम लोग मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अरुण जी, पुरानी यादें याद दिलाई। तो बहुत मजा आया ना मिलकर आज, हमें बहुत अच्छा भी लगा कि आज हम लोग यहाँ पर मिले बहुत अच्छे टाइम पर दिवाली से पहले। oh, yes. बहुत प्यार लगा आज। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, यहाँ पर आप आए हो, एक दीपावली का एक गेट टुगेदर था सिनेमेस्टर के ऑफिस में। व्हाट आई टू से एंड व्हाट आर योर बेस्ट विशेस? देखिए, काफ़ी दिनों के बाद में दिवाली ऐसी आई है कि चेहरे पे सबकी मुस्कुराहट है। नहीं तो कोविड के ज़मानों में जो 2 या 2.5 साल गए हैं उसमें दिवाली तो बड़ी बदतर थी और बड़ी फीकी सी थी। लोगों की लोग सब लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, लेकिन अब अच्छा समय आ गया है और महफिलें, थिएटर, भीड़, गाना सब शुरू हो गया है। इट इज़ अ रियली वंडरफुल फीलिंग, और मैं जहाँ पे बैठा हूँ और वो सिनेमास्टर का ऑफिस है, और ये दिस इज मिस्टर रॉनी, द मैन बिहाइंड द शो इज, यहाँ पे आके उनसे मिलके और दिवाली की जो खुशियाँ हैं आदान प्रदान करने में बहुत अच्छा लगा। आई प्रे टू ऑल माई टीम के आते हुए सालों में हिंदुस्तान जो हमारा इंडिया है वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े, इस तरह से हम लोग शो करते रहे, खेलते रहे और शूटिंग करते रहे, फिल्में रिलीज होती रहे। OTT प्लेटफॉर्म के अलावा वही दौर आना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए और बॉक्स ऑफिस जिंदा होना चाहिए, चाहिए। शुरू किया था, इसका मतलब 1 big circle is completed, so beautiful, happy Diwali to everyone of you. Thank you.